नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खेती बाड़ी और ट्रैक्टर की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाले रस चूसक कीटों और पत्ती लपेटक सुंडी के बारे में। दोस्तों, यह अगर आपकी फसल में लग जाए तो आपकी फसल लगभग 20 से 50% तक नुकसान कर देती है। और दोस्तों, इस कीट से अगर हम अपनी फसल को बचा लेते हैं तो निश्चित ही हमारी फसल ज़्यादा उत्पादन देगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमें मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आपको अपनी धान की फसल में रस चूसक कीटों जैसे माहू, पत्ती लपेटा कीट और उसके साथ साथ तना छेदक के रोकथाम के लिए आपको कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जो कि बहुत ही सस्ती है और आपको कम खर्च में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसेक्टिसाइड के बारे में। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये है JU का इलेक्ट इंसेक्टिसाइड। दोस्तों, ये JU एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आने वाला एक बेहतरीन कीटनाशक है। दोस्तों, अगर इसके टेक्निकल नेम की बात करें तो इसमें आपको कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 75% WG SG मिला हुआ है। दोस्तों, यह बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। और दोस्तों, यह आपकी धान की फसल में जो कीट आपकी धान की फसल को रस चूसते हैं और अगर उसको चबाकर खाते हैं तो उससे नियंत्रण के लिए आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर इसके प्राइस की बात करें तो यह आपको लगभग 400 रुपये 100 ग्राम की पैकेट मिलती है। दोस्तों, यह 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है और आप इसको यूरिया के साथ मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी धान की फसल में आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो जब आपकी धान की फसल लगभग 60 से 70 दिन की हो जाए, जो धान गभोट की अवस्था से लगभग 20 से 25 दिन पहले अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और यह आपकी धान की फसल से सभी प्रकार के कीटों को नष्ट कर देगी और आपको धान से अच्छा उपज मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अन्य नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।